सनशाइन चाहिए इंस्टेंट, जो कहते हैं ना ब्राइटनेस चाहिए, चेहरे में बिल्कुल डलनेस आ चुकी है ना, तो ये रेमेडी, ये फेस पैक बहुत अच्छा कमाल करने वाला है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे प्रिपेयर किया है, एग्जीक्यूट किया है और इस्तेमाल करने के बाद आपके पास आ रही हूँ। ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला फेस पैक है, वो है चिया सीड फेस पैक। कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, सही तरीका क्या है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको शादी पार्टी में जाना है, किसी स्पेशल ओकेजन में जाना है, चेहरा बहुत डल पड़ चुका है, फर्स्ट यूज से, मतलब जो कहते हैं ना एक बार से रिजल्ट अगर चाहिए, तो ये चिया सीड्स फेस पैक आप जरूर एक बार अपने घर पे बना ले और लगा ले। उसके बाद आपने कहना है भाई वाह क्या ही बता दिया, इंस्टेंट ग्लो इसे कहते हैं। आपको पार्लर में जाके हजारों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने ऑनेस्टली से चिया सीड जैसा मैंने बताया है, जैसे एग्जीक्यूट कर किया है, अगर कर लिया ना, चेहरा बहुत शाइन करने वाला है। तो चलिए देरी किस बात की है, चलिए इस रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। साथ ही चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे बिल्कुल आपको प्रेस करना है, ऑल में जाकर के सेट करना है, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और चलिए बताती हूँ कि इस चिया सीड फेस पैक को मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक बार भी कर लेंगे ना, तो चेहरे पे क्या ही ग्लो आएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है ये चिया सीड फेस पैक, पैक नहीं बोल सकते, इस ये चिया सीड्स जो जिसे हम हिंदी में तुकमरिया के बीज कहते हैं, जो आपको इजिली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने एक बार लिया है ना, वो आपका महीनों चलेगा, महीनों से ज्यादा चल जाएगा। अगर हफ्ते में एक बार भी यूज करें ना, तो आपको मैं बता दूं 6-7 महीने आपका आराम से चल जाएगा, अगर आपने इसे बाय किया तो। ये बहुत ज्यादा भी कॉस्टली नहीं है, आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको बनाना कैसे है, तो सिंपल से ये जो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट से दाने हैं, ये आपके चेहरे पे मैजिक करने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एक क्लीन बाउल ले लेना है, सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल लेना है, और इसमें ही सारी रेमेडी मैं प्रिपेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले आपको क्लीन बाउल ले लेना है, इसमें आपको डालना है चिया सीड्स। यहाँ पे मैं 2 चम्मच चिया सीड डाल रही हूँ, अपने फेस नेक हैंड के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ फेस में लगाना, मेरा एरिया बहुत छोटा है, तो आप 1 चम्मच भी डाल सकती हैं, पर 2 चम्मच इनफ है, मतलब बहुत अच्छे से आपको लग जाएगा। तो आपको 2 टेबल स्पून ले लेना है चिया सीड्स। ये जो बीज आपने देख रहे हैं ना, ये आपका जो आप जब इसको 1-2 घंटे डाल के आप देखेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना मस्त होने वाला है ना कि मैं क्या ही बताऊं। आपको लेना है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, और इसमें डाल देना है। क्वांटिटी मैं आपको इसमें नहीं बताने वाली, क्योंकि आपने इसमें अपने अंदाज से डालना है कि ये फूलने के बाद कितना हो जाए, क्योंकि ये जितना भी आप मिल्क डालिएगा ना, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 1/4 कप डाल रहे हैं तो बिल्कुल इनफ है। कप की साइज डिपेंड करता है, आपको कॉफी मग के कप से नहीं करना है, नॉर्मल जो कप का साइज होता है वो उसका 1/4 आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें ऐड कर देना है, और इसे हमको 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप बिल्कुल बिजी हैं, नहीं अभी इतना नहीं है कि नाइट में फुलाऊं और सुबह लगाऊं, तो आपने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ना ही छोड़ना है। आपको इसे ढक के छोड़ देना है, आप काम कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको नजर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये जो चिया सीड्स है ना, वो अपने साइज से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 2 चम्मच दिया है ना, तो उसका वो डबल ट्रिपल फोरपल हो जाता है, और ये बढ़ करके काफी बड़े साइज में हो जाते हैं। इसे हम अपने स्किन पे ऐसे नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? सिंपल सा फंडा, ये आपकी स्किन पे रहेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ग्राइंडर में सबसे पहले आपको इसे ग्राइंड कर लेना है, लगाने से पहले ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट, जैसे पैक वाला पेस्ट होता है ना, वो आपको अचीव हो जाएगा, और ये हमारा फेस पैक बनके हो चुका है रेडी। बहुत सिंपल सा था, आपको ये जो कहते हैं ना इंस्टेंट में ग्लो चाहिए ना, तो ये पैक जरूर लगाएगा। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, एक टाइम पे इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि सारे लोग बस यही लगाना पसंद करते थे, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, ताकि वो लोग और ज्यादा कन्विंस जो कहते हैं ना, कन्विंस हो जाना है, तो इसलिए मैं भी इसे प्रिफर करती हूँ। मेरे पास तो एनी टाइम रहता है, अगर मुझे इंस्टेंट में लगता है मेरा चेहरा काफी डल हो गया है, मेरे चेहरे पे टैन दिख रहा है, या फिर मुझे लगता है मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं दिख रही, तो मैं इसे लगाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिंपली अपने चेहरे को क्या करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, अगर मेकअप कर रखा है तो मेकअप को पहले रिमूव कर लेंगे, फेस वॉश, क्लींजिंग, ये सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट है कोई भी पैक लगाने से पहले। मैंने यहाँ पे अपने स्किन को प्रॉपर क्लीन कर रखा है, अब अपने चेहरे पे बस इसे हल्के
हल्के हाथों से लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, मसाज करते हुए लगाइएगा ताकि पोर्स में चला जाए, इसके बेनिफिट्स और अच्छे से मिले। और लगाने के बाद अच्छे तरीके से मसाज करिएगा ताकि चेहरे पे ये रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पे बिल्कुल छोड़ देना है। बिल्कुल अपने चेहरे पे छोड़ दीजिए। अगर आपने बहुत आपको लगता है क्वांटिटी और बच गई है तो आप नेक में लगा लें, हैंड में लगा लें, बैक नेक में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जहां जहां पे भी आपका डार्कर एरिया है वो हट जाएगा, जहां जहां पे लगता है कि बहुत डल स्किन है, डेड स्किन है, वो हट जाएगी। सिंपली आपको यही फॉलो करना है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, 20 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर ले। आप नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे ये बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाता है। सिंपली आपको कैसे हटाना, मैं आपको बताती हूँ। स्पून लेना है, सिंपली आपको स्पून से जैसे जैसे आप हटाइएगा ना, वो सारा इजिली निकल के हट जाएगा। इसके बाद आप वाटर से वॉश करेंगे, ये आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपको लगता है 20 मिनट्स हो गया, आप जाके नॉर्मल वाटर से वॉश करें, बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ ये जाकर के चिपक चिपक सा जाता है, बेसिन भी गंदा हो जाएगा आपका। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्पून से आपको इसे हटा ले, थ्रो कर दे। इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपको अपना एक नया टोन देखने को मिलेगा, चेहरे पे जो कहते हैं ना ग्लो देखने को मिलेगा, और वो होता है बेस्ट पार्ट। तो आपने सबसे पहले तो अपने स्किन को वॉश कर लिया है और अब आपकी स्किन काफी ग्लो कर रही है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने चेहरे को तो ऐसे हम छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे चेहरे पे इतना महंगा फेस पैक लगाया है, इतना ज्यादा टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं, दोनों को कर लेना है मिक्स और चेहरे पे मसाज कर लेना है। हफ्ते में संडे कब पड़ता है, संडे को कर लीजिए, नहाने से पहले कर लीजिए, या फिर आप शादी पार्टी में जाने वाली हैं, विद इन जो कहते हैं ना वीक, अगर आप ट्राई करेंगे ना, आपको विद इन अ वीक रिजल्ट मिलेगा। वन एप्लीकेशन से ही आप सेटिस्फाइड होने वाली हैं इस पैक से। ऐसे ही ऐसे वायरल नहीं हो गया था ये रातों रात। इसका बेनिफिट्स आपके चेहरे पे मिलता है। इसे हिंदी में तुकमरिया के बीज कहते हैं। अगर आपको गूगल करना है तो आप इसके बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। साथ ही साथ ये आपको हर मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन शॉपिंग में आप बिल्कुल मंगा सकती हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, कि अगर आप एक बार मंगा लेंगे काफी टाइम तक ये चलता रहता है। सिंपल सा है, समझ क्या है, आपको मसाज कर लेना है। अब आप अपने चेहरे को मिरर में देखेंगे, आप बिफोर एंड आफ्टर का पिक खींच ले, आपको विजिबल होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस। अगर ना हुआ ना तो मैं तो आपको चैलेंज देती हूँ कि मेरे चैनल पे आइएगा ही मत दोबारा। मैं जानती हूँ कि इसका कितने बेनिफिट्स मिले हैं मुझे और मैं क्यों इसे प्रीफर करती हूँ और आप लोगों के साथ क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि सच में ये वर्क करता है। ये इतना ज्यादा वर्क करता है कि चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। सो आई होप यू गाइज कि आप समझ गए हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप 15 से एवव हैं बिल्कुल आप लगा सकती हैं। 20-25 वाले हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज अपने स्किन का केयर करिए, क्योंकि एक बार झाइयां आ गई, एक बार पिगमेंटेशन आ गई ना, तो उसे हटाते ही हटाते आपका सारा टाइम चला जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली है। तो आपने सबसे पहले, देखिए कुछ ही चीज आने वाली है, उससे पहले अगर आप उसका अच्छे तरीके से करके रखेंगे तो उसे इफेक्ट आपकी स्किन पे वो हमला करेगी ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी है। तो अगर आप हेल्दी है तो आपको कोई भी डिजीज हमला नहीं करती है। जो कमजोर होते हैं, जिस पे केयर नहीं हो रहा, उसे सारी बीमारियां होती हैं। सिंपल वही फंडा है हमारे स्किन के लिए भी। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, शाइनी है, ब्यूटीफुल है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करने वाली है। सो आई होप यू गाइज कि आप समझ गए कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल से स्टेप थे। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे प्रेस करे बिना नहीं जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उन लोगों को शेयर करिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट के थ्रू बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई विद इन हाफ एन आवर देती ही देती हूँ। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे स्किन टाइप कैसी है, सारी चीजों का आंसर मैं कमेंट के थ्रू देती हूँ। तो सिंपली आपको ऐसे ही फॉलो करना है, और साथ ही साथ चैनल से कुछ भी नॉलेज मिलता है एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए।